एक बड़ा बैंक में डकैती हो रहा था। उस टाइम डकैत का लीडर हाथ में अस्त्र लेकर सबको बोला, कोई भी ज़्यादा चालाकी करने का कोशिश मत कीजिएगा, रुपया जाएगा तो गवर्नमेंट का जाएगा और जान जाएगा तो आपका जाएगा, इसलिए सोच समझ के आप लोग आपका फैसला लीजिएगा। ये बात सुनने के बाद बैंक में सारा पब्लिक खामोश होके फर्श में लेट पड़ा। सब्जेक्ट ये है माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट, अर्थात मानव मस्तिष्क को आपका सुविधा अनुसार चेंज करवा लेना। सब जब लेट गया, उस समय एक सुंदर नानी का कपड़ा डर से असावधानी से पैर के ऊपर उड़ गया था। ये देखने के बाद डकैत का लीडर बोला, आपका कपड़ा ठीक कर लीजिए, हम लोग डकैती करने आए, धर्षण नहीं। इसका सब्जेक्ट यही हुआ बीइंग प्रोफेशनल, अर्थात आप जो काम करने आए हो वही काम करना चाहिए, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। डकैती करने के बाद अपने आस्थाने के लौटने के बाद एक डकैत उनको लीडर को बोला, चलिए सरदार पैसा गिन लेते हैं। जो पढ़ा लिखा था सरदार, जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, उन्हें थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, जरूरत नहीं है, थोड़ा देर बाद सारे न्यूज चैनल में बता देगा कितने रुपए का डकैती हम लोग किए हैं। ये है एक्सपीरियंस या अनुभव, जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता। डकैत बैंक से चले जाने के बाद बैंक का एक वर्कर मैनेजर को बोला, सर जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, डकैत का दल दूर नहीं गया होगा, पुलिस आएगा तो उस लोग को पकड़ लेगा। बैंक मैनेजर वर्कर को बोला, ज़्यादा व्यस्त मत होइए, हम लोग के अच्छा के लिए जो डकैत 20 मिलियन डॉलर लूट के लेके गया उसको ले देना चाहिए, कारण हम लोग जो 70 मिलियन डॉलर का घपला किए हैं वो डकैत के ऊपर ही हम लोग फेंक देंगे। सब्जेक्ट ये हुआ स्विम विद द टाइड, ज्वार के साथ तैरना, अर्थात संकट में भी अपना सुविधा अनुसार काम करना। थोड़ा देर बाद सारे टीवी न्यूज चैनल में न्यूज आया, बैंक डकैती में 100 मिलियन डॉलर का डकैती हुआ है। डकैत लोग न्यूज देखने के बाद बहुत बार अपना लूटे हुए पैसे को गिना, लेकिन 20 मिलियन से ज्यादा उन लोग का पैसा नहीं हुआ। डकैत दल का सरदार गुस्सा होकर बोला, हम लोग अपना लाइफ के रिस्क लेके इतना कुछ करके सिर्फ 20 मिलियन डॉलर ही डकैती किए, और बैंक मैनेजर सिर्फ अपने कलम के जोर पे 80 मिलियन डॉलर का घपला कर लिया। तो डकैत सोचा, डकैत नहीं होकर अगर हम लोग पढ़ लिख लेते तो वही सही था। ये सब्जेक्ट हुआ है नॉलेज इज ओट एज मास एज गोल्ड, अर्थात औसी से मौसी वाड़ा, ज्ञान सोने के जितना है। इधर बैंक मैनेजर खुल के हंस रहा है क्योंकि उनका 80 मिलियन डॉलर का लाभ उन्हें कर लिया। 70 मिलियन डॉलर का घपला करते हुए भी इस सुजक में वो और भी 10 मिलियन डॉलर का घपला कर लिया। ये सब्जेक्ट हुआ सीजिंग द अपॉर्चुनिटी डेयरिंग टू टेक रिस्क, अर्थात कहीं अगर सही सुजक मिलता है तो उसका फायदा लेना ही बुद्धिमान का काम है।